हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राष्ट्र डिफेंस एकेडमी। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी फॉर लाइकिंग एंड सपोर्टिंग ऑल आवर वीडियोस। एंड टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन आर गोइंग टू अपियर फॉर RMS CET 2025-26। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू पेपर पैटर्न फॉर क्लास 6। So let's begin without a further ado. I'm going to share my screen and will discuss further details regarding the paper. So parents, now I'm going to share my screen with you all. Hopefully अब आपको मेरी screen visible है. So इसमें RMS जो 2025-26 का paper pattern है class 6 के लिए, वो मैं आपके साथ discuss करने वाली हूँ. So पहले इसमें कितने subjects होते हैं? Actually इसमें exam में 4 subjects होते हैं. फर्स्ट इज़ इंग्लिश, सेकेंड इज़ इंटेलिजेंस, थर्ड इज़ मैथमेटिक्स एंड फोर्थ इज़ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, मीन्स ये 50 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन जो होता है वो कंटेन करता है 1 मार्क, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो 50 में से इफ़ अ चाइल्ड गेट्स 35%, अगर मींस 17.5 मार्क्स, अगर 50 में से बच्चे के 17.5 मार्क्स है तो वो इंग्लिश के पेपर को क्वालिफाई करता है। अगर बच्चा इंग्लिश के पेपर को क्वालिफाई करेगा तभी उसके आगे के जो पेपर्स हैं वो चेक होंगे। इसीलिए इंग्लिश को क्वालिफाइंग सब्जेक्ट बोलते हैं। इंग्लिश का जो मार्क्स है, इंग्लिश के जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट्स के ऐड होंगे, बट इंग्लिश फिर भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चा 35% नहीं लाता उसमें तो आगे के पेपर्स ही चेक नहीं होंगे। उसके बाद अलग से इन्होंने जो सेक्शन कट ऑफ भी दे रखी है, देखिए यहाँ पे जो बाकी के 3 सब्जेक्ट है, अगेन वो मैक्सिमम मार्क्स उनके 50-50-50 है, मींस वही 50 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 मार्क का रहेगा। अब इसमें से आपको सेक्शन कट ऑफ भी क्लियर करनी है बच्चे को, 40%, 40%, 40%, मींस मिनिमम 20 मार्क्स लाने हैं। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर सपोज आपके बच्चे के 48 मार्क्स आ गए 50 में से इंटेलिजेंस में, और मैथ्स में भी 48 मार्क्स आ गए, बट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में बच्चे के 18 मार्क्स हैं, तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा इस पेपर को। बिकॉज अगर उसे करना है क्वालिफाई तो मिनिमम 40% मार्क्स उसको GK में लाने ही होंगे। सो दैट्स वॉट सेक्शन कट ऑफ। So, सभी में 40-40-40% एंड इंग्लिश में 35%, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्वालिफाई करने की। तो कुल मिला के ये जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होने वाला है, जो आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। अच्छा, मेरिट डिसाइड करने के बाद इसमें होता है इंटरव्यू। ये जो मैंने यहाँ लिखा है इंटरव्यू, वो होगा 20 मार्क्स का। लेकिन अभी जो आपका ये रिटन टेस्ट है उसकी जो मेरिट बनेगी वो भी कैटेगरीज पे डिपेंड करती है, वेरियस कैटेगरी पे। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया था रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि सीट एलोकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ भी सेम वही होने वाला है, जब आपकी रिटन एग्ज़ाम की जो मेरिट बनेगी वो कैटेगरी पे डिपेंड करती है। डिफेंस वालों के लिए वो कैटेगरी थोड़ी कम हो सकती है, जैसे पर्सोनल किल्ड इन एक्शन के लिए मेरिट बहुत नीचे जाती है, सिविलियंस के लिए वो मेरिट ज़्यादा हो सकती है। तो आप सभी को ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करें जिससे कि आपके लिए इंटरव्यू कॉल आए। और अगर जैसे ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो 130 के अराउंड इफ़ यू स्कोर तो आप इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं RMS की तरफ से। अच्छा, हियर आई वॉन्ट टू गिव यू अ टिप चिल्ड्रन, इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिक्स ये दोनों सब्जेक्ट स्कोरिंग है। इसमें आप कोशिश करें कि आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। दोनों ही कैलकुलेशन बेस्ड है, लॉजिकल है दोनों ही, तो इनमें आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने की ट्राई करें सो दैट यू कैन गेट ए सीट इन RMS। बिकॉज जनरल नॉलेज बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, इसमें करंट अफेयर्स भी है, GK भी बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, तो इसमें मोस्टली उतने मार्क्स हम सिक्योर नहीं कर सकते हैं। दो वी ट्राई, लेकिन इतने मार्क्स हम सिक्योर नहीं कर सकते, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। एंड इन यू नो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट टू क्रैम एवरीथिंग। लेकिन ये जो दो सब्जेक्ट हैं ये आपको RMS में सीट दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिक्स। सो आप ट्राई करें कि इन दो सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने की कोशिश करें।
मैंने आपको बता दिया इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें आपको 17.5 मार्क्स तो लेकर आने हैं। अगर आपने वो किया तो आपके आगे के पेपर्स चेक होंगे। फिर आपको सेक्शन कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी है, सभी पेपर्स में 40% मिनिमम सिक्योर करना है। उसके बाद जो आपकी मेरिट बनेगी वो 150 मार्क्स में से जो आपके मार्क्स आएंगे उस पर बनेगी। फिर अगर आपका जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आरएमएस की खुद की साइट पे आता है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक मेल जाएगा या फिर उस पर वो जो रिजल्ट अपलोड करेंगे। उसके बाद यू बिन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और वो भी कैटेगरी पे। ऑफकोर्स कैटेगरी रिजर्वेशन सब कुछ इस पर लागू होगा। उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट आप अगर मेडिकल फिटनेस एक बार क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो रिजल्ट आप मतलब फाइनली आप सेलेक्ट हो जाएंगे आरएमएस में, आरएमएस में आपको सीट मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास 6 पेपर पैटर्न फॉर दिस आरएमएस सीटी 2025-26। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पेपर पैटर्न क्लास 6 के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेपर पैटर्न फॉर क्लास 9। ये जो वीडियोस हैं स्टूडेंट्स आपको हेल्प करेंगे, पेरेंट्स को हेल्प करेंगे आरएमएस की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें सेक्शन कट ऑफ इंग्लिश का कितना वेटेज है या कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, तो ये सारी स्ट्रेटेजी आप इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आई कम विद अ डिटेल्ड वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरएमएस का जो सिलेबस है, विच इज़ सेड दैट इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो हमने जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके कुछ जो सारे टॉपिक्स हैं उनको अक्यूमुलेट किया है, वो हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी आरएमएस के प्रिपरेशन को मैक्सिमम तरीके से फुलफिल करें और यू गेट सेलेक्टेड इन आरएमएस। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।